किसान भाइयों नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन एमपी ट्रैक्टर में। साथियों, यह वीडियो स्पेशल स्वराज लवर के लिए है। तो आप सभी जानते हैं कि स्वराज का एक ट्रैक्टर आता था पहले 960 एफई, और अब यह ट्रैक्टर सीआरडीआई में कंपनी फिर से लॉन्च करने वाली है। और इस ट्रैक्टर में कंपनी ने क्या क्या बदलाव किए हैं, जिससे कि किसानों को यह ट्रैक्टर कितना पसंद आने वाला है, इस ट्रैक्टर की क्या क्या पावर और परफॉर्मेंस होने वाली है, आपको सारी इस वीडियो के माध्यम से बताऊँगा। और आप ये लुक देख सकते हैं, सीआरडीआई में यह ट्रैक्टर है, और आप देखेंगे तो यहाँ पर साइड गियर में ट्रैक्टर दिया हुआ है, जो कि स्वराज के कुछ मॉडल आए थे साइड गियर में, और एक इनमें से 960 एफई था। ये आप एक साइड देख सकते हैं, लो हाई, और दूसरी साइड 1, 2, 3, 4 गियर हैं। तो टोटल 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स गियर इस ट्रैक्टर में दिए हुए हैं कंपनी के द्वारा, और सारी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। तो 960 सीआरडीआई है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किसान भाइयों, बात करते हैं स्वराज 960 एफई के इंजन के साथ। तो इसमें आपको महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी द्वारा बनाया गया 3 सिलेंडर 3478 सीसी का RB33XM नाम का इंजन मिलता है, जो कि वर्टिकली इनलाइन लिक्विड कूल डायरेक्ट इंजेक्शन 4 स्ट्रोक वाला नेचुरल स्पिरेटेड डीजल इंजन होगा, और यह एक सीआरडीआई इंजन होगा। तो इस इंजन में आपको लगभग 2000 RPM पर 55 हॉर्स पावर की ताकत और लगभग 250 Nm तक का टॉर्क मिल जाएगा। पहले स्वराज 960 एफई आपको 220 Nm का टॉर्क जनरेट करता था, परंतु अब इसमें कंपनी ने इम्प्रूवमेंट किया है और इसका टॉर्क 250 Nm के आसपास बनता है। साथ ही किसान भाइयों, इसमें आपको 26-28% तक का बैकअप टॉर्क ही मिल जाता है। बोरोस्ट्रो की बात करें तो RB33XM नाम का इंजन है, तो 110 और 122 के बोरोस्ट्रोक में आपको यह ट्रैक्टर देखने को मिल जाएगा। और चूंकि सीआरडीआई इंजन में आने वाला है, तो पहले इस ट्रैक्टर की SFC 256 के आसपास आती थी, अब इस ट्रैक्टर में आपको 240 से 250 के आसपास की SFC देखने को मिल जाएगी, क्योंकि सीआरडीआई इंजन 20% फ्यूल एफिशिएंस होता है। तो किसान भाइयों के लिए ट्रैक्टर काफी बढ़िया होने वाला है। साथ ही किसान भाइयों, इस ट्रैक्टर में आपको 52 से 53 हॉर्स पावर तक की PTU पावर देखने को मिल सकती है, जो कि 55 हॉर्स पावर के अन्य किसी भी ट्रैक्टर में नहीं मिलने वाली। और साथ ही किसान भाइयों, रिवर्स फॉरवर्ड और मल्टी स्पीड PTU में यह ट्रैक्टर देखने को आपको मिल जाएगा। और साथ ही इसमें आपको 2000 किलोग्राम की लिफ्टिंग कैपेसिटी का ऑप्शन देखने को मिल सकता है, या फिर 2200 किलोग्राम की लिफ्टिंग कैपेसिटी वाली हाइड्रोलिक आपको इस ट्रैक्टर में मिल सकती है। तो किसान भाइयों, स्वराज कंपनी स्वराज 960 एफई सीआरडीआई के साथ फिर से 55 हॉर्स पावर के मार्केट में कब्जा करने के लिए वापस आ रही है। और किसान भाइयों, यह ट्रैक्टर कितना पावरफुल होगा, यह तो अब इस ट्रैक्टर की टेस्टिंग के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि कई सारे किसान भाइयों को इस ट्रैक्टर के साथ डाउट हैं कि किसान भाइयों की उम्मीदों पर स्वराज 960 खरा नहीं उतर पाया। तो सीआरडीआई इंजन के साथ और इंजन में की हुई इम्प्रूवमेंट के साथ ट्रैक्टर कितना बढ़िया रहेगा किसान भाइयों के साथ। किसान भाइयों, इसमें आपको लो हाई मीडियम गियरबॉक्स का ऑप्शन भी कंपनी दे सकती है, परंतु अभी लो हाई वाला मॉडल ही सामने आया है, और फ्लैट प्लेटफार्म और साइड गियर में आपको यह ट्रैक्टर देखने को मिल जाता है। तो यदि आप भी स्वराज लवर हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक करें, साथ ही हमारे इन चैनल इंडियन एमपी ट्रैक्टर को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।